प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत सिंपल स्टोरी, और जिसे आप लिखेंगे अंग्रेजी में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और इस जो स्टोरी है इसके माध्यम से आप अंग्रेजी को सीखेंगे। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत रोचक जानकारी आपको मिलने जा रही है। इसका पहले बता दूँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जो स्टोरी है वो दो दोस्त की है, दो दोस्त यानी टू फ्रेंड्स। जो दोस्त हैं वो कौन कौन है? राम एंड राजीव। राम एंड राजीव की ये कहानी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टोरी को शुरुआत करते हैं। राम और राजीव दो दोस्त थे। पहले सब्जेक्ट दीजिए, राम और राजीव, तो क्या हो जाएगा? राम एंड राम एंड राजीव दो दोस्त थे, इसका मतलब ये प्रेजेंट, ए सॉरी पास्ट टेंस में है, इसलिए दो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट देखो प्लूरल हो रहा है, इसलिए इसके साथ लगेगा आर, वर, डब्ल्यू आर यू, वर। राम एंड राजीव वर दो दोस्त, मतलब टू फ्रेंड्स। राम एंड राजीव वर टू फ्रेंड्स, राम और राजीव दो दोस्त थे। वे प्रतिदिन स्कूल, प्रतिदिन विद्यालय जाया करते थे, ठीक है। वे का मतलब राम और राजीव, दे जाया करते थे, जहाँ रहेगा वहाँ लिखिएगा, पास्ट टेंस की आदत बताता है, तो यहाँ पे आप बताइएगा यूज्ड टू, क्या लिखिएगा? यूज्ड टू। दे यूज्ड टू गो टू विद्यालय, क्या क्या होगा? स्कूल, एवरी डे, है ना, एवरी डे, ठीक है। राम और राजीव दो दोस्त थे। राम एंड राजीव वर टू फ्रेंड्स। वे प्रतिदिन स्कूल जाया करते थे। दे यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, प्रत्येक दिन, या डेली भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे सेंटेंस लेते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस क्या कहता है? राम राजीव का मदद करता था। राम राजीव का मदद करता, देखो ये करता था, इसका अर्थ हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो राम राजीव का मदद करता था, तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, तो हेल्प्ड, राम हेल्प्ड राजीव, ठीक है। राम हेल्प्ड राजीव, इसका मतलब हो गया राम राजीव का मदद करता था, क्योंकि राजीव गरीब था। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, राजीव गरीब था, यानी राजीव वाज, गरीब का क्या होगा? पुअर, ठीक है, राजीव वाज पुअर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। राम का पिताजी एक शिक्षक थे। तो राम का अर्थ होता है ये राम्स, पिताजी का फादर, राम्स फादर, मतलब राम का पिताजी एक शिक्षक थे, यानी पास्ट टेंस में है, इसलिए वॉज अ टीचर, ठीक है। राम्स फादर वॉज अ टीचर, यानी राम का पिताजी एक शिक्षक थे। वे, अब लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, वे छात्रों से बहुत प्यार करते थे। वे मतलब यहाँ राम के पिताजी, उनके लिए हो जाएगा ही, प्यार करते थे, मतलब यहाँ सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लव का, लव्ड, छात्रों से, ही लव्ड द स्टूडेंट्स, छात्र का स्टूडेंट्स, ठीक है, ही लव्ड द स्टूडेंट्स, वो छात्रों से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। वेरी मच लिख दीजिए, वेरी मच, ठीक है। ही लव द स्टूडेंट्स वेरी मच, वेरी मच मतलब बहुत, ही मतलब वे, लव मतलब प्यार करते थे, द स्टूडेंट्स मतलब छात्रों से, वेरी मच मतलब बहुत, ठीक है। चलिए अब देखो आगे सेंटेंस। राजीव बहुत मेहनत करने लगा। राजीव बहुत मेहनत करने लगा, ठीक है। देखो राजीव मेहनत करने लगा, ये लगा लगी जहाँ रहेगा वहाँ बिगेन टू लगाइएगा, बिगेन टू वर्क हार्ड,
यानी कठिन मेहनत करने लगा। ठीक है, राजीव बिगेन टू वर्क हार्ड, यानी वर्क हार्ड राजीव जो है बहुत मेहनत करने लगा और सेना का ऑफिसर बन गया। एंड बन गया मतलब पास्ट इन डिफरेंट टेंस है, बीकेम दीजिएगा, बीकेम एन ऑफिसर ऑफ द आर्मी। ठीक है, सेना का ऑफिसर एंड बिकेम एन ऑफिसर ऑफ द आर्मी, वो सेना का ऑफिसर बन गया। अब फिर क्या कहता, राम को गर्व महसूस, राम को गर्व महसूस हुआ, तो राम गर्व महसूस हुआ मतलब फील्ड प्राउड। ठीक है, राम को गर्व महसूस हुआ कि उसका दोस्त सफल हो गया, दैट हिज फ्रेंड, कि उसका दोस्त बिकेम सक्सेसफुल, बिकेम सक्सेसफुल। ठीक है, बिकेम सक्सेसफुल। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, राम भी एक शिक्षक बन गया, राम ऑल्सो मतलब राम भी, बिकेम मतलब बन गया, बिकेम अ मतलब एक, टीचर मतलब शिक्षक। ठीक है, राम ऑल्सो बिकेम अ टीचर, राम भी एक शिक्षक बन गया। दोनों, अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, दोनों देश की सेवा करने लगे, बोथ मतलब दोनों, दोस्त मतलब फ्रेंड्स, बोथ फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड्स, यहाँ द का प्रयोग करिएगा, बोथ द फ्रेंड्स सेवा करने लगे, बिगेन टू सर्व, देश की मतलब द कंट्री। ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स बिगेन टू सर्व द कंट्री, दोनों बहुत खुश थे, बोथ वर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं और आपको स्टोरी राइटिंग सीखना है। सो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।